सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने सेट वन को काफ़ी प्यार और काफ़ी अपना स्नेह दिया है, अच्छा लगा। लेकिन मेरे दोस्त, ध्यान रखना, आप लोगों की कमेंट को पढ़ के ये लगा कि आप ये सोच रहे हो कहीं ये सेशन कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं बीच में बंद तो नहीं हो जाएगा। मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सेशन बीच में बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बस आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करना और मैं अपनी, आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो भी इस वीडियो पर क्लिक करें, एक कमेंट और एक लाइक आप ज़रूर उस पर रखिए, क्योंकि आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे, है ना। लाइक करने में 2 से 3 सेकंड, कमेंट करने में वही 5-10 सेकंड लगेगा। तो मेरे दोस्त, एक लाइक और एक कमेंट अगर आप करते हैं तो जितना लाइक और कमेंट वीडियो पे जाएगा, यूट्यूब उतने ही लोगों को दिखाएगी, उतने ही लोगों का भला होगा। और मैं अगर घंटे मेहनत करूँगा तो मैं यही चाहूँगा कि इसका बेनिफिट सबको मिले, ठीक है। तो रेलवे, SSC, हर किसी को अपने एग्जामिनेशन के अनुसार मैं दूंगा। मेरे दोस्त, ये प्रीवियस ईयर है 3250 प्लस 2 प्लेटफॉर्म रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक का, जो आप सभी के टेबल पे रहता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आइए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 2 का। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप 4 की डिविजिबिलिटी लगाओ। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? कोई संख्या 4 से कटा हुआ तभी माना जाएगा जब उसकी आखिरी 2 अंक 4 से कटेगी। तो देखो, आखिरी 2 अंक 4 से कटा नहीं, आखिरी 2 अंक 4 से कटा नहीं, आखिरी 2 अंक 4 से कटा नहीं, आखिरी 2 अंक 4 से कटा हाँ। ऐसे भी 3 ऑप्शन 4 से ही, अगर 4 की डिविजिबिलिटी से ही छट गया तो जो चौथा बच गया आंसर तो वही होना है, तो 8 का चेक ही क्यों करूँ, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप ये 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि सर इनका और इनका हमसे अनुपात मांगा है। रही बात इन दोनों को सॉल्व करने की, एक को आप चेंज कर देंगे, चेंज कैसे होता है 90 के अकॉर्डिंग। देखो तो 57 में क्या जोड़ेंगे 90, आप कहोगे सर 33, कॉस बदलकर साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, इनमें से भी एक को चेंज कर दो। 68 में क्या जोड़ेंगे 90, मेरे दोस्त 22, साइन बदल के कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22, थीटा सेम है मेरे दोस्त, ये 1 बन जाएगा। कॉस स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 33, ये भी 1 बन जाएगा और 1:1 हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, इतना भी करने का टाइम कहाँ है पेपर में मेरे दोस्त, आपको इतना भी नहीं करना है तो फिर सर कैसे करें। एक उपाय और है मेरे दोस्त, और वो आप सभी जानते हो, वो उपाय क्या है मेरे भाई, वो उपाय ये है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जग जाहिर है कि ये 1 होता है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे भाई ये भी 1 होता है। लेकिन कब? जब थीटा का योगफल, जब मेरे दोस्त थीटा का योगफल क्या हो जाए, 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। तो देखो, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये भी 1 होता है। कब? जब थीटा का योग 90, तो थीटा का योग 90 है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होगा, क्योंकि थीटा का योग यहाँ भी क्या है, यहाँ भी मेरे दोस्त 90 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मेरे दोस्त। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या कहता है सर, 48, 72 और x, इन तीनों का LCM, इन तीनों का LCM 576 है, तो बताओ x का मान क्या होगा। मेरे मित्र, सोचो जरा सा, एकदम ध्यान से देखना। मैं आपसे बस एक ही बात पूछता हूँ, कहोगे क्या? अगर ऐसा सवाल आया ना और ऑप्शन इस तरह से है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे देखो, मैं अगर x का मान 144 मानता हूँ, मान लो मैं अगर x का मान 144 मानता हूँ, तो मेरे मित्र 144 जो है ना, 48 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि 144 ही LCM हो जाएगा, जबकि 144 नहीं 576 LCM चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त x का ये मान नहीं हो सकता।
अगर आप x का मान 288 मानते हो तो देखो 288 भी 48 से भी कटेगा और 72 से भी कटेगा, तब तो 288 ही एलसीएम हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 576, तो मेरे मित्र ये भी आंसर नहीं जाएगा। अब रही बात 96 की, तो देखते हैं अगर हम 96 रखते हैं और तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं, तो मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का एलसीएम तो 144 है ना, लेकिन 96 से ये नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि 48 तिया 96 या 48 दूनी 96, यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे तब जाके ये 96 से कटेगा। तो भैया 96 से कटने के लिए 2 से गुना करना पड़ा, फिर भी तो ये 288 ही हुआ, मतलब 288 है जो इससे भी कटा और 96 से भी कट गया, तब तो एलसीएम 288 ही हो जाएगा, लेकिन हमें तो 576 चाहिए, तो मेरे दोस्त ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा, तो मेरा आंसर फाइनली 192 जाएगा। आप कहोगे क्यों जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त 48, 72 और 192 का एलसीएम 576 होगा। ऐसे क्यों होगा? तो मेरे दोस्त जब भी हम किसी का एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं। जैसे आज 48, 72 और 192 का एलसीएम मानेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे, तो 192 को ही एलसीएम मान लेंगे, लेकिन 192 एलसीएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 192 48 से तो कट जाएगा लेकिन 72 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि देखो 192 के अंदर आप अगर उसे 24 से करते हैं तो 24 से कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सर ये ना 24 से जाएगा 4-8 बार में जाएगा। अब 24 अठे और ये क्या है 24 तिया, ठीक है भाई? तो वो 24 अठे है, ये 24 तिया है, कहने का मतलब 24 गुना 3 होता है 72, और ये 24 गुना 8 होता है, तो 24 के अलावा इसमें 3 नहीं है, तो मेरे दोस्त एक 3 से गुना करना पड़ेगा और फाइनली 576 पर पहुंच जाओगे। ऐसे भी मेरे भाई जब 3 ऑप्शन नहीं हो पाया तो 4th ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहा? ये कहा 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में जो पानी से भरा, पानी से मेरे दोस्त अगर भर दिया जाए तो टंकी की क्षमता क्या होगी? अगर इसको पानी से भरना है तो टंकी में कितना पानी आएगा? तो मेरे भाई जितना इसका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर 7 है और इंटू एच। आप ही देखो 7 से एक साथ चला गया, 154, ठीक है, 22 + 7 = 154 और गुने 20, फाइनली कितना आएगा? 0, 4 × 8, 15 × 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 300 मेरे दोस्त कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। तो 380 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये क्या कहा? ये मेरे दोस्त हमें कहता है कि सर बताओ इसका विस्तार क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, लिखी दो सीधे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप 2ab करोगे ना तो ये प्लस में a है और माइनस में b है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2 × 6 = 24 हो जाएगा 24ab। फिर क्या होता है 2bc, तो जब bc को गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2bc करोगे तो 2 × 4 × 2 तो 8, 8 × 16, 16bc हो जाएगा। और मेरे मित्र फिर होता है ca, तो जैसे ही आप ca करोगे ना, 2ca करोगे अगर, तो सबसे पहले माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2ca यानी 2 × 4 = 12, ये हो जाएगा 12ca। तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो प्लस वाला तो हमारा आंसर जाएगा नहीं, ये दोनों तो गया काम से, है ना? उसके बाद क्या 12ca चाहिए, तो 6 वाला तो आंसर ऐसे भी नहीं जाएगा, तो मेरे दोस्त ये हमारा आंसर चला गया। या तो हम फॉर्मूला लिखें इस तरह से, और नहीं तो हम ऑप्शन से भी काम चला सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे चलाते हैं भाई, मेरे देखना ऑप्शन से हम कैसे काम चलाते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा 16b² और 4c², तो हमें चाहिए 4c², जबकि यहाँ पर सिर्फ सी स्क्वायर है, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया, ठीक है? अब मेरे दोस्त क्या होता है 2ab, तो जब हम 2ab करेंगे तो a है प्लस में, b है माइनस में, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2ab हमें माइनस में चाहिए, तो माइनस में मेरे दोस्त यहाँ 3 जगह पर है, वो तो ख़त्म ही हो चुका है, और तीनों जगह सेम है, तो इससे मेरा आंसर आएगा नहीं। अब हमें चाहिए bc, तो जब 2bc करेंगे तो bc करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस चाहिए, यानी कि माइनस वाला नहीं चाहिए। और क्या चाहिए?
तो टू बी सी करेंगे तो चार दुनिया आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह चाहिए, तो सोलह यहाँ है और यहाँ है, यहाँ सोलह नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। अब मेरे मित्र टू एस टू सी ए की बात है, जब टू सी ए करेंगे तो सी और ए, तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो आप देख लो मेरे दोस्त यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो काम करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो टू सी ए तो दो दुनी चार या बारह, तो देखो बारह यहाँ है जबकि यहाँ छः है, तो छः वाला तो जाएगा नहीं, बारह वाला जाएगा। तो आप मेरे दोस्त इस तरह से चेक कर भी आंसर लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के भी लगा सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल था, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के लगा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब देखो यहाँ पर आते हैं, ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहता है पांच पुरुष और छः महिलाएं किसी काम को छः दिन में, तीन पुरुष और पांच महिलाएं उसी काम को दो दिन में, तीन पुरुष और दो महिलाएं उसी काम को कितना दिन में। सबसे पहले फाइव मैन और सिक्स वोमेन ये किसी काम को छः दिन में करते हैं, जबकि तीन मैन और मेरे दोस्त फाइव वोमेन इसी काम को नौ दिन में करते हैं, है ना। जिस काम को ये छः दिन में, उसी काम को ये नौ दिन में, दोनों काम बराबर। तो ये तीन दुनी छः हो गया और ये तीन तिया नौ हो गया। अब दो से अंदर गुना करिए, टेन मैन ट्वेल्व वोमेन बराबर, तीन से करेंगे नाइन मैन और मेरे दोस्त ये फिफ्टीन वोमेन, दस में नौ गया, दस मैन में नौ मैन गया तो एक मैन, और बारह वोमेन जाके उधर घटेगा थ्री वोमेन आएगा, तो ये मैन और अपॉन वोमन मेरे मित्र हो जाएगा तीन बटे एक। तो आप यहाँ देख लीजिए मेन की क्षमता तीन है और बोमन की क्षमता एक। तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा, तो टोटल वर्क तो यहाँ भी समाप्त हुआ है और वहाँ भी हुआ है, इधर से भी निकाल सकते हो, उधर से भी निकाल सकते हो। अब आप ही बताओ भाई कि यहाँ पे क्या हुआ है, पांच आदमी तो एक आदमी तीन काम, तो पांच आदमी पंद्रह प्लस छः बोमेन, एक बोमेन एक काम, तो छः बोमेन क्या हो जाएगा छः काम, दिनों तक मेरे दोस्त छः दिनों तक, तब जाके टोटल काम हुआ। तो पंद्रह छः इक्कीस छः के एक सौ छब्बीस। आपको ये मत सोचने लग जाना कि यहाँ छः क्यों लिया, कट के तो दो हो गया था। अरे भाई साहब वो तो कैलकुलेशन के दौरान दो हुआ था ना, लेकिन पूरा काम जब हुआ था तो पूरे काम को रिप्रेजेंट करने के लिए तो छः से गुना किए थे ना, तो हमें काम को रिप्रेजेंट कैसे किया गया उससे टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। तो टोटल वर्क 126 हो गया। अब इसी को करना चाहता है तीन मैन और दो वोमेन, तो करना है 126 काम। और देखिए एक आदमी की क्षमता तीन है तो तीन आदमी का नौ, एक वोमेन की क्षमता एक है तो दो वोमेन का एक, तो नौ और दो ग्यारह, ग्यारह क्षमता से अगर काम होगा तो मेरे दोस्त ग्यारह ग्यारह 121 रहेगा पाँच, इतना दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने छह नंबर क्वेश्चन भी कर लिया। आ जाओ मेरे दोस्त अब इसको देखते हैं, ये क्या है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए अधिक लाभकारी होगी। पांच खरीदें तीन फ्री मिल जाए, पांच खरीदें छह मिले, दस और पांच की दो लगातार छूट। अच्छा बताओ जब हमें छूट दी जा रही हो तो ग्राहक के नजरिए से, ग्राहक की दृष्टि से अधिक फायदा कब होगा। तो ग्राहक की दृष्टि से अधिक फायदे तब होगा जब हमें अधिक छूट मिलेगा। तो हमें देखना होगा कि कहां पर हमें अधिक छूट मिल रहा है, ठीक है। तो देखो भाई मैं डिस्काउंट परसेंट निकालूंगा, यहां पर जानते हो पांच खरीदूं तो तीन फ्री मिले, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है पांच खरीदूंगा तीन फ्री मिलेगा, यानी वस्तु मुझे आठ मिलेगा और पैसे मैं पांच का ही चुकाऊंगा, का मतलब तीन वस्तु मुझे फ्री मिल रहा है। तो मेरे भाई तीन वस्तु मुझे फ्री मिल रहा है, कितना में आठ में, टोटल आठ मिल रहा है जिसमें तीन फ्री मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का होगा, आठ में से तीन का डिस्काउंट, आठ में से तीन का डिस्काउंट, तो आप ही बताओ सौ में क्या हो जाएगा, 37.5% का डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। फिर मेरे दोस्त यहाँ देखो ये तो सीधे सीधे कहता है कि सर पाँच खरीदो लेकिन छः पाओ, तो पांच खरीद के छह पाओ ऐसा थोड़ी लिखा है कि छह मुफ्त पाओ, सीधे लिखा है पांच खरीदो और छह पाओ, यानी केवल एक मुफ्त पाओ, ठीक है। तो मेरे मित्र यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर केवल एक का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। पांच खरीदो छह पाओ, वस्तु पाऊंगा छह, पैसे दूंगा पांच की, तो एक का छूट मिलेगा, एक का छूट मिला है छह पर, तो बताओ सौ पर क्या होगा,
16.66%। और इसके बाद 10 और 5 के दो लगातार छूट का एकल छूट आप सब जानते हैं क्या, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यहाँ से आएगा 14.5%। आप ही बताइए सबसे अधिक छूट कहाँ मिला है, तो सबसे अधिक छूट योजना वन पर मिला है, यानी एज ए कस्टमर योजना वन पर हमें सबसे अधिक प्रॉफिट होगी। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए, आप लोग मेरे मित्र जल्दी लिखिए। मैं एक बार फिर आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि ये तो मेरे दोस्त सिर्फ प्रीवियस ईयर है, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा, ये बात याद रखना, सिर्फ प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलेगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो मेरे दोस्त लेवल को तो थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा, और अगर आप लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। तो गुरुजी मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊं, तो मेरे भाई आपको लेवल अगर बढ़ाना होगा तो हमारे साथ अगर पटना में हैं तो किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस मुसलहुहाट, यानी खानसर कैंपस कह सकते हैं, उसमें आकर के मैथमेटिक्स बाय अमरजीत सर में आप जुड़ जाएं, ऑफलाइन मॉक टेस्ट करें। ठीक है, ऑफलाइन मॉक टेस्ट करें, हर रविवार एक चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, आप उसमें आए, इससे आपका लेवल मेंटेन होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर 60-70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आएंगे, लेकिन 20-30% क्वेश्चन नए आते हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना होगा। ओके, हाँ, जो लोग पटना में नहीं हैं या हैं भी लेकिन हमारे ऑफलाइन सेंटर पर नहीं आ सकते, जो गांव में हैं बहुत दूर हैं, वे सभी लोग ज्ञान गुरुकुल पटना एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप इंस्टॉल करके रजिस्टर्ड कर ले, और ऑल कोर्स में जाकर मॉक टेस्ट 16, मॉक टेस्ट 16, वॉल्यूम नंबर 16 है, उसमें आप ज्वाइन कर जाएं मेरे दोस्त, और लगातार जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो हर महीने आप इस तरीके से काम करते रहें, बाकी मैं आपको प्रीवियस तो देता ही रहूँगा। थैंक यू। आइए इसको देखते हैं, 3x² + 6x - 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए, ax² + bx + c = 0। अगर मूलों की प्रकृति जानना हो तो आप b² - 4ac निकाल लें, अगर ये 0 के बराबर होता है तो मेरे मित्र मूल समान होते हैं। ठीक है, अगर b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो मूल मेरे मित्र असमान होते हैं, और साथ ही साथ वास्तविक नहीं होते, यानी कि काल्पनिक होते हैं, और यहाँ क्या होता है, समान और मेरे दोस्त वास्तविक होते हैं, लेकिन b² - 4ac जब 0 से बड़ा होता है तो मेरे दोस्त ये असमान और वास्तविक होते हैं, असमान और वास्तविक होते हैं। असमान का मतलब अल्फा बीटा का मान अलग आएगा लेकिन रियल आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखना। ऐसे मैं आपको बताऊं, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है यूट्यूब चैनल पर, अब आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अमरजीत सर सर्च करेंगे, पूरा वीडियो पढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर b² - 4ac निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। बी स्क्वायर एक्स का गुणांक ही b होता है, माइनस 4a, a कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, और ये c कितना है, माइनस 5, ये 36 माइनस माइनस प्लस 12 × 5 = 60, यानी होगा 96, जो 0 से बड़ा हो जाए। तो अगर 0 से बड़ा हो गया तो मेरे दोस्त ये वाली सिचुएशन है, मूल असमान होगा और वास्तविक होगा। तो देखो वास्तविक और असमान कहाँ पर है, ए पर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात क्या लिखा है, दो तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा,
मेरे दोस्त, ये इंटरसेप्ट थ्योरम है, और इंटरसेप्ट थ्योरम में पहले इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझना पड़ेगा, अंतःखंड क्या होता है। देखिए, चाहे दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, और चाहे दो नॉन पैरेलल लाइन हो, ओके, चाहे समांतर हो चाहे समांतर नहीं हो, जब कोई छेदक रेखा इसे काटती है ना, तो मेरे मित्र याद रखना, इन दोनों के द्वारा छेदक रेखा पर जो काटा जाता है यही अंतःखंड है, यही मेरे दोस्त क्या है, अंतःखंड है। यहाँ देख रहे हो, पैरेलल लाइन के द्वारा इस ट्रांसवर्सल यानी प्रतिच्छेदी रेखा पे जो टुकड़ा काटा गया है यही टुकड़ा अंतःखंड है, ठीक है। तो आज आपका क्वेश्चन ये तो हो गया, मैं आपको समझा दिया इंटरसेप्ट क्या होता है। अब देखिए इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होता है उसको समझिए। इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है कि दो से अधिक समांतर रेखाओं को, ठीक है, दो या दो से, ध्यान देना मेरे दोस्त, दो से अधिक समांतर रेखाओं को जब एक से अधिक इंटरसेप्ट, ध्यान देना मेरे दोस्त, ध्यान से इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, दो से अधिक समांतर रेखाओं को जब एक से अधिक ट्रांसवर्सल काटती है तो इन समांतर रेखाओं के द्वारा पहले ट्रांसवर्सल पर जो इंटरसेप्ट काटा जाता है अगर इसका रेशियो ए अनुपात बी है तो मेरे मित्र दूसरे ट्रांसवर्सल पे भी जो इंटरसेप्ट काटा जाएगा उसका रेशियो भी मेरे दोस्त ए अनुपात बी ही होगा, ठीक है। इसका ये कतई मतलब मत समझना कि इसकी इसकी लंबाई समान है, मेरे दोस्त इसका इसके साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो एक समान होता है, यानी समांतर रेखाओं के द्वारा पहले इंटरसेप्ट पर जो अंतःखंड काटा जाएगा उसका जो अनुपात होगा दूसरे प्रतिच्छेदी रेखा पर भी जो अंतःखंड काटा जाएगा उसका भी रेशियो एक समान होगा। एक बार लैंग्वेज में अगर हो तो कहीं लिख लेना कि दो से अधिक समांतर रेखाओं को जब दो ट्रांसवर्सल यानी प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के द्वारा पहले प्रतिच्छेदी रेखा पर जो अंतःखंड बनाए जाते हैं उनकी लंबाई का जो रेशियो होता है दूसरे प्रतिच्छेदी रेखा पर भी बने अंतःखंड के लंबाई का वही रेशियो होता है। यानी अगर ये 3:4 काट रहा है, सॉरी 3:4 का अंतःखंड बन रहा है तो ये भी 3:4 ही होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं 10 नंबर। देखो ये तो सीधा सीधा हमसे कह रहा है कि सर देखो, मैं 1500 रुपए में जब अपना वस्तु बेचता हूँ, ठीक है, जब मैं 1500 रुपए में अपना वस्तु बेचता हूँ और 1920 रुपए में अपना वस्तु बेचता हूँ तो होता क्या है वो देखिए। कहते हैं 1920 में बेचने पर जितना लाभ होता है 1500 में बेचने पर उतना ही लॉस होता है। यह है लॉस वाला बिक्री मूल्य, यह है लाभ वाला बिक्री मूल्य, तो क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में ही होगा। कम में बेचोगे तो लॉस होगा, अधिक में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। कहा जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से दिखा दूँ जरा सा, कहोगे वो कैसे क्या। देखो पहले वाले SP और CP के बीच का गैप जो है वो 1:1 है, CP और दूसरे SP के बीच का जो गैप है वो भी 1:1 है। तो मेरे मित्र 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। क्या कहोगे, 1 और 1 टोटल गैप हो गया 2 रेशियो का। तो रेशियो में मेरे मित्र 2 रेशियो का गैप है, रुपया में कितना, तो 1920 में से 1500 हटा दो, मेरे मित्र सीधे सीधे हो जाएगा 420 का गैप। तब तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकल जाएगा 210, जानते हो। अब 210 क्या है, 1 रेशियो का मान। अब 1 रेशियो का मान 210 का मतलब ये हुआ कि जब वो 1500 में बेच रहा था तो 210 का लॉस हो रहा था, इसका मतलब खरीदा कितने में था, 1500 प्लस 210 यानी 1710 में खरीदा था, तभी तो 1500 में बेचेगा तो 210 का लॉस होगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्त हम वस्तु का CP जान गए हैं 1710। अब हम क्या चाहते हैं, इसको 10% के लाभ पर बेचना। अगर आप इसे 10% के लाभ पर बेचना चाहेंगे तो 11/10 पर बेचेंगे। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 गया, 11 से गुना होगा, 11 × 7 = 77, 11 × 11 = 7 = 18, यानी 1881 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन है ना।
रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दोस्त, ये क्या है, ये आपसे कह रहा है कि सर एक गोले का आयतन इतना है, तो गोले का व्यास क्या होगा? तो गोले का आयतन आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त, 4πr³। कितना दिया हुआ है? 36π दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त इसको पाई ही रहने दो ना, है मेरे दोस्त, होता नहीं है, क्योंकि आप लोग आगे में कोई बैठे हुए नहीं हो, मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कभी कभी ब्लंडर होने लगता है, लेकिन फिर मेरे दोस्त याद आ जाता है क्या, तो हम लोग लाइव रहते हैं तो आपका कमेंट देखते हैं, अभी लाइव तो है नहीं, सामने कोई नहीं है, अभी देखिए कोई ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था कोई बात नहीं, इंसान है और गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। चलिए मेरे दोस्त हम लोग वापस ठीक कर लें, तो गोले का आयतन क्या है? 4π³, और ये मेरे दोस्त कितना है? 36π। मेरे भाई ये पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 4 नाम 36, यहाँ से r³ बराबर हो जाएगा 27, r का मान आएगा 3, लेकिन आपको तो व्यास चाहिए, व्यास होता है 2r, 3 × 2 = 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने हो जाएंगे? 6। आइए मेरे दोस्त हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या है, देखो आपसे ये कहा कि तीन पार्टनर ABC हैं, वे क्रमशः 6, 12 और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं, उनके लाभों का अनुपात 5, 4 और 7 है, उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे दोस्त इन्वेस्ट, जिसे निवेश कहते हैं, इनटू टाइम यानी समय, बराबर क्या होता है? प्रॉफिट यानी कि लाभ, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही हमारा प्रॉफिट होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ से इन्वेस्ट निकालना चाहते हैं तो मित्र ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा, यानी प्रॉफिट में टाइम से भाग देंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, और इन्वेस्टमेंट ही तो मांग रहा है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले मेरे दोस्त प्रॉफिट का रेशियो लिखिए ऊपर में, क्योंकि प्रॉफिट में टाइम से भाग देंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा। प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 5, 4 और 7 है। जहाँ तक बात रही समय की, तो टाइम रेशियो मेरे मित्र क्या है, एक 6 महीने तक रह रहा है, एक 12 महीने तक रह रहा है और एक 14 महीने तक रह रहा है। हम अगर चाहें तो 3 × 6, 6 × 12, 7 × 14 ये कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट बटे टाइम। प्रॉफिट बटे टाइम करेंगे 5/3 हो जाएगा, प्रॉफिट बटे टाइम करेंगे 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा, और ये 7/7 हमारा 1 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं 1, मेरे मित्र आपको इसमें 3 से गुना कर देना चाहिए ताकि नीचे सेम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3, तो इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 5, 2 और 3, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इस पे आ जाओ और ध्यान से देखो, ये क्या बोलता है कि सर देखो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है इनमें से कौन सा है। अब हम एक बार ध्यान से सब ऑप्शन को देखें, तो मेरे मित्र हम देख रहे हैं जो यहाँ यहाँ और यहाँ है सारा ऑप्शन में भी वही चीज़ है, तो भैया जो क्वेश्चन में है वही ऑप्शन में है, तो फिर आंसर कैसे लगाएं? एक तरीका देखते हैं, एक तरीका ये है कि मेरे दोस्त डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक और डेसिमल के बाद 4 अंक, यानी हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो है वो 6 डिजिट होना चाहिए, तो देखते हैं किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद 6 डिजिट है। यहाँ देखो 4, 2, 6, 3, 9, डेसिमल के बाद वहाँ 9 डिजिट है, जबकि मुझे केवल 6 डिजिट चाहिए, तो आंसर तो जाएगा नहीं, 2, 1, 3, 3, 2, 5, हमें तो 6 डिजिट चाहिए, ये भी आंसर नहीं जाएगा। अब यहाँ देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है 4, ठीक है 4, 2, 6 और 6, 2, 8, हमें तो 6 ही डिजिट चाहिए, तो देखो यहाँ 3 और 3, 6, बिल्कुल 6 ही डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर, ठीक है, क्यों, क्योंकि डाटा तो सेम ही था। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया कि मीडियन क्या होगा, तो जब भी आपको मीडियन निकालना हो तो पहले आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लीजिए, असेंडिंग में सजा लेते हैं, सबसे छोटा 11 है,
फिर मेरे मित्र 16 है, फिर देख सॉरी 15 है, 15 के बाद 16 है, फिर मेरे दोस्त 17 है, फिर 18 है, 18 के बाद मेरे दोस्त क्या है 22, 22 के बाद क्या है मेरे भाई 33, 33 के बाद 51, 51 के बाद 71, 71 के बाद 75। आप खुद ही देख लो, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 1, 10। आपने जैसे ही इसको सजा लिया, अब मेरे दोस्त देखो नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड रहता, मतलब 9 टर्म रहता, 4-4 छाट देते, बीच में जो एक रहता वही हमारा मीडियन हो जाता, लेकिन यहाँ 10 टर्म है, 10 टर्म है तो हमें 4 और 4 को क्या करना होगा, साइड करना होगा, बीच में जो 2 टर्म बच गए हैं मित्र, ये दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, तो इस तरह से आपका मीडियन आएगा और मीडियन कितना 20 हो जाएगा, मीडियन कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। ये कहता है कि ए बी की दुगुनी है और बी सी की आधी है, यानी ए डिपेंड किया बी पर और बी डिपेंड किया सी पर, तब तो इसको हम इस तरीके से मानेंगे, क्या पहले सी को मानेंगे, तो बी सी का एक तिहाई, यानी सी को अगर 3 मान लेते हैं तो 3 का 1/3 तो मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, फिर ए क्या कहता है मैं बी का डबल हूँ तो 1 का डबल मेरे दोस्त ये 2 हो जाएगा, तो ये मेरे दोस्त क्या है, ये हमारा प्रेजेंट, यानी ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। हमें कहता भी यही है कि ए और ए बी सी तीनों का योग 42, तीनों को जोड़ देंगे तो 2 रेशियो 1 रेशियो 3 और 3 6, टोटल 6 रेशियो का मान 42 है, 1 रेशियो का मान 7 होगा। हमें कहता है ए और बी दोनों का योगफल, तो ए और बी दोनों का योगफल लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 रेशियो, 3 रेशियो का मान मेरे दोस्त क्या होगा तो 3 × 7 = 27 हो जाएगा 21। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 21। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ये देखिए 0.424 को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है। मेरे भाई 0.424 इस पर रेकरिंग है, आप तो जानते हो ना कि नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, 2 पर रेकरिंग है तो उसके लिए 2 9, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0, और इनमें से बिना रेकरिंग वाले को मेरे दोस्त घटा दीजिए। आप जैसे ही घटाएंगे ये 420 हो जाएगा और बटे में 990 हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, 7 6 ध्यान रखेंगे, 0 से 0 चला गया, 3 से कटेगा, 14 3 42 और 33 3 99, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इसके मूलों का गुणनफल मांगा है, आप सब जानते हो कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, है ना, और मूलों का योगफल पूछ देता तो मूलों का योगफल क्या होता माइनस बी बाई ए। इसकी तुलना किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से, तो देखिए मूलों का गुणनफल क्या होगा सी, तो सी के जगह पर क्या है 6 और ए के जगह पर क्या है 3, आंसर आएगा 2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले। मेरे दोस्त ये क्या कहता है, ये कहता है जब मैं 3 की स्पीड से जाऊं तो 20 मिनट लेट, 3 की स्पीड से जाऊं तो 20 मिनट लेट, लेकिन अगर मैं 4 की स्पीड से जाऊं तो मेरे भाई 30 मिनट पहले पहुंच जाऊं। ठीक है, तो यहाँ लेट हो रहा है और यहाँ पर मैं पहले पहुंच जा रहा हूं, तो टाइम का गैप कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके ऐड कर दोगे, 50 मिनट टाइम का क्या हो जाएगा गैप हो जाएगा। दोनों ही बार लेट होता तो घट के गैप आता, दोनों ही बार पहले पहुँचते तो घट के गैप आता, एक बार लेट एक बार पहले तो जुड़ के गैप आएगा। ठीक है, अब देखो आपको ये बात पता है कि एक्स की चाल से जा, ध्यान रखो छोटी सी बात, दो अलग अलग स्पीड से एक ही दूरी जाएंगे तो दो अलग अलग टाइम लगेगा ही, अगर वो दूरी फाइंड करना होगा तो आप ध्यान रखना कि किसी एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से गए हैं और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप मालूम हो, तो वैसी स्थिति में वो दूरी कुछ और नहीं चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू मेरे दोस्त क्या इनटू हमारा टाइम गैप। तो क्या देखोगे, एक बार 4 की स्पीड से एक बार 3 की स्पीड से, है ना, और इनटू टाइम गैप 50 मिनट है, इसको घंटे में बदल लो, 0 से 0 गया और 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 5 दूनी फाइनली 10 किलोमीटर होगा,
इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है। देखिए ये कहता है 36 संख्याओं का माध्य 42 है, 36 का माध्य 42 है। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश यानी भूल चूक से 47 को 41 पढ़ा गया था। दी गई संख्या का सही माध्य क्या होगा? आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे मित्र, अगर 36 संख्या का माध्य 42 है, बाद में पता चला कि 47 जहाँ लिखना चाहिए था वहाँ मैंने 41 लिख दिया, यानी मैंने 6 कम कंसीडर किया है, तो यदि हमने जितना काउंट करना चाहिए उससे 6 कम कंसीडर किया है यानी 6 कम गिन लिया है, तब तो माध्य मेरा जो आया है उससे रियल में ज़्यादा आना चाहिए, है ना। तो मेरे भाई माध्य जो मेरा 42 है ना, वो 42 से ज़्यादा आना चाहिए। कितना ज़्यादा? तो जितना आपने कम काउंट किया है उतना ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखना ये माध्य है, तो इसको भी माध्य बनाओगे तभी जुड़ेगा, एवरेज में एवरेज ही जुड़ता है। तो ये जो 42 माध्य है वो कितने संख्या के रेस्पेक्ट में? 36 संख्या के रेस्पेक्ट में। तो इसको भी मेरे मित्र 36 संख्या के रेस्पेक्ट में माध्य बना दो। तो मेरे मित्र 6 कम 6, 6 छा के 36, 1 में 6 से भाग देंगे हो जाएगा 0.1 और मेरे दोस्त 6। अब इसको यदि जोड़ते हो तो ये 42.16 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 42.17 जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। अब 1.6 का मतलब ख़त्म थोड़ी ना हो रहा है, 6.6 बढ़ता रहेगा ऐसे। तो अगर आपको दो अंक पर रुकना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि तीसरा वाला अंक 5 या 5 से ज़्यादा ना हो। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ से इसको गायब करने के लिए पीछे वाले को एक फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो मेरे मित्र चूंकि यहाँ पर 6 था और इसको हटाना था, इसलिए पीछे एक फॉरवर्ड कर दिए, तो 6 क्या बन गया? 7 बन गया। ठीक है, तो यही तरीका होता है परसेंटेज के साथ खेलने का, ध्यान रखना। देखो ये क्या कहता है, निम्नांकित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षाओं में, परीक्षा ए 2 और 3, ABC 3 व्यक्ति हैं, उनके द्वारा प्राप्त अंक दिखाया गया है। ए कितना लाया किस पेपर में, बी कितना लाया किस पेपर में, सी कितना लाया है किस पेपर में। सवाल पूछता है कि सर मुझे ये बताओ, यहाँ देखो क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन, यदि परीक्षा 1 और 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 हैं और मेरे दोस्त परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, तो सभी विषयों में प्रदर्शन को देखते हुए ए और सी के प्राप्त अंक में कितने प्रतिशत का अंतर है, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हमें ये देखना होगा ए ने कितना मार्क्स लाया है। अब देखो ग्राफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि किसके लिए कौन सी ग्राफ कितना वैल्यू ले रहा है वो मेरे दोस्त यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सी बात एक बता दूं कि एक पेपर 80 का है, दूसरा भी 80 का है, तीसरा है 100 का, इसका मतलब 260 जो है ना इतने का पेपर हुआ है, 260 का पेपर हुआ है। हमें बात ए और सी का कहा गया है, तो हम सिर्फ ए और सी के बारे में सोचेंगे। देखो ए ने कितने मार्क्स लाया है, पेपर 1 में 45, 50 और 75 जोड़ लो, 5 और 5 हो जाएंगे 10, 4, 5, 9, 7, 16, 16, 1, 17। एक बार फिर से ऐड कर लो मेरे दोस्त, 45 और 75 ऐसे भी 120 है और 50 170 हो गया। यहाँ पर देखो 65 और 45 110 और 40 ये हो जाएगा मेरे दोस्त 150। अगर हम ए का परसेंटेज निकालें तो 170 मार्क्स लाया है ए 260 के पूर्णांक में, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना। जहाँ तक बात सी की रही, सी को 150 नंबर आया है 260 में, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कैंसिल आउट करना आसान हो मेरे दोस्त। मेरे भाई यहाँ पे 50 और ये हो जाएंगे हमारे कितने, 13, और यहाँ पर ये 50 और यहाँ भी क्या हो जाएंगे, 13। तो फाइनली हम यही देख पाएंगे। अब अलग अलग कैलकुलेट करना है, मैं तो कहूँगा अलग अलग कैलकुलेट ही मत करो, आप डायरेक्ट डिफरेंस ले लो, वो भी आपके लिए आसानी होगा, है ना भाई। अब डायरेक्टली डिफरेंस ले लो ना, क्यों कटकुट कर रहे हो इतना, मत करो कटकुट इतना। देखो भाई ए का अगर ध्यान से देखें, अगर मुझे अंतर चाहिए तो हम यहीं से भी देख सकते हैं अंतर, क्यों? क्योंकि दोनों का बेस एक ही है, एक ही बेस पर कैलकुलेट करना है। तो आप मेरे दोस्त सीधे अंतर देख लो, कितने का अंतर है? तो मेरे भाई अंतर है 20 का,
कितना पर? 260 पर, और इंचू मेरे दोस्त 100। हमें क्या बोला था? दोनों ने जो प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किया है उसका डिफरेंस बताइए। अब उसका परसेंटेज अलग निकालेंगे, इसका परसेंटेज अलग निकालेंगे, फिर से मेरे दोस्त डिफरेंस लेंगे, तब तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट क्यों घटा सकते हैं? क्योंकि दोनों का बेस मेरे दोस्त एक ही है, इसलिए हम डिफरेंस परसेंट ही तो चाहिए। तो आप डायरेक्टली डिफरेंस लेके परसेंटेज निकाल लो, है ना। तो 20 मार्क्स का डिफरेंस है आउट ऑफ 260 इंटू 100। यहाँ से मेरे दोस्त हम देखेंगे 13, और 100/13 जो है वो 7.69% होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7.69। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसको करो, आप लोग करके इसको आंसर दो मेरे दोस्त। मैं देखता हूँ कि आप लोग क्या करते हो इसको। थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करना ही होगा, बिना मेहनत किए कोई उपाय है भाई? बिना मेहनत किए किसी का कुछ नहीं होता है, मेहनत सभी को करना है, मेहनत सभी लोगों को करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 दूनी 6 प्लस 2 की पावर 3 दूनी 6, ये हमारा हो जाएगा 729, और ये अपना हो जाएगा कितना मेरे दोस्त? 64। 9 4 13 8 1 9 793। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। आ जाओ इसको, इस पर देखते हैं। ये कहता है कि 4 अलग अलग बिंदुएं इस प्रकार है जिनमें कोई भी 3 बिंदु आपस में संरेखी नहीं है। मतलब 2 पॉइंट संरेखी हो सकता है, लेकिन कोई 3 बिंदु आपस में संरेखी नहीं है। बताओ कितने रिजु रेखा, कितने मेरे दोस्त डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन खींचे जा सकते हैं? तो सीधी सी बात है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मेरे मित्र 2 पॉइंट से होकर कितना लाइन गुजरेगा? 1 लाइन गुजरेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लाइन गुजारने के लिए कम से कम मुझे 2 पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल जितना पॉइंट है उनमें से 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर लेंगे, है ना। टोटल 4 पॉइंट है, 4 में से 2 का सिलेक्शन करेंगे। 2 का क्यों सिलेक्शन करेंगे? क्योंकि एक रेखाखंड खींचने के लिए कम से कम हमें 2 लाइन चाहिए, सॉरी कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। जब एक रेखाखंड खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो 4 पॉइंट से कितनी रेखाखंड खींची जा सकती है? तो आप सीधे 2-2 पॉइंट का सिलेक्शन कर लीजिए। अब रही बात 4C2 को सॉल्व कैसे किया जाता है, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो आप 4 को 2 बार लिखेंगे एक एक घटते हुए, 4 × 3 बस, और ये जो 2 है इसको आप 1 तक ले जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6। ऐसे तो मेरे दोस्त आपको ये बात पता भी होना चाहिए कि NC2 का मतलब क्या होता है, n × n-1/2। लेकिन मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे देखो 15C4 है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ 4 है ना, तो 15 को 4 बार लिखोगे एक एक घटते हुए, 15 × 14 × 13 और 13 × 12, और ये मेरे दोस्त 4 क्या है, 4 को 4, 3, 2 और 1 मेरे दोस्त 1 तक ले जाओगे, इसको मेरे दोस्त 1 तक ले जाओगे। नीचे 4 है तो इसको 4 बार लिखोगे एक एक घटते हुए, यही तरीका है कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अब देखो 23 क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, इनको 2 भागों में ऐसे बांटना है कि एक भाग में, ध्यान रखना, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। मतलब दूसरा में जो है वो पहला से 52 कम है। तो मान लेते हैं कि पहला में x है और दूसरा में इससे मेरे दोस्त 52 कम है, ठीक है, और यही दोनों मिला के क्या 892 है। ये कोई बड़ी बात है? ये तो बहुत ही सिंपल है। अब 92 जाके उधर ऐड हो जाएगा, 4 9 5 14 8 1 9, x का मान निकालेंगे 47, यानी कि 477 आएगा। ये कहता है दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं, तो ये तो मेरे दोस्त पहला भाग है, दूसरे भाग में क्या होगा, 477 x का मान और -52, फाइनली कितने हो जाएंगे, 425। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? ये क्या हो गया भाई, 425। ये कह रहा है पुस्तक के दूसरे भाग में पहले की तुलना में 52 कम है। तो दूसरे भाग में पहले की तुलना में 52 कम है, पहला मैक्स मान लिया, यहाँ 52 कम हो गया,
यह हमारा 2x हो गया, 52 जाके ऐड होगा, 2 4 होगा, 9 और 5 14 होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा 47। ओ ये मेरे दोस्त यहाँ पर 472 हो जाएगा, कितने 472 हो जाएंगे, 472 घटा दोगे 0 और ये मेरे दोस्त 420 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 420 हो गया। ऐसे मैं आपको शॉर्टकट बनाना सिखाता हूँ मेरे दोस्त। ओके, शॉर्टकट कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 892 है ना, आपको क्या करना है, ऐसा दो भाग बनाना है जिसमें कि एक भाग दूसरे से क्या हो, 54 के डिफरेंस में हो, यानी 54 कम हो, ये कह रहा है ना, 54 नहीं 52 कम हो। तो मेरे दोस्त क्या करना है कि जितना आपको कम करना है, जैसे कि एक भाग को दूसरे से 52 कम करना है, तो आप क्या कर दो, पहले इसमें से 52 घटा दो, जितना का डिफरेंस रखना है उतना घटा दो, घटा दिए। इसके बाद मेरे मित्र ये जो आया इसको बराबर बराबर बांट दो, ठीक है। अब बराबर बराबर बांट दोगे तो 420 हो जाएगा, और 420 हो जाएगा तभी तो 840। और अब 52 को किसी एक में जोड़ दो, है ना मेरे दोस्त। जैसे ही आप जोड़ दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि 892 को दो भागों में हमने ब्रेक कर लिया, जिनमें 52 का अंतर हो। देख लो, इनमें से इनको घटा दो, 52 का अंतर आ जाएगा। अब वो क्या बोला था, दूसरे भाग में पहला से 52 कम होना चाहिए, तो पहले से 52 कम होना चाहिए, तो जिसमें 52 कम है वो दूसरा भाग है, ठीक है, और ये हमारा पहला भाग हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। आओ अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या कहता है, पिछले वर्ष रंजन की मासिक वेतन 34,500 था, इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है, पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो भाई, पहले वो 34,500 कमाता था और अब वो 38,640 कमाने लगा, तो देख लो यहाँ पे वृद्धि कितने का हो गया, तो इनमें से उनको घटा दो, तो मेरे मित्र हो जाएगा सीधे 38 में 34 गया 4,000 और 600 में 500 जाएगा 100, यानी कि मेरे भाई यहाँ से आपने देखा 4140 की वृद्धि हुई। तो 4140 बढ़ गया किससे, 34,500 से इंटू 100। आप मेरे दोस्त इसे सॉल्व कर लो, दो जीरो से मेरे मित्र दो जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इससे ये कितनी बार में जाएगा वो देखना होगा, देखते हैं मेरे भाई। 12 5 60, 12 4 48, 48 और 6 54, अब 12 3 36, 36 और 5 हो जाएगा 41, बिल्कुल 12 में कट जा रहा है, यानी इससे ये 12 में कट जा रहा है, आंसर हो गया, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब आप कहोगे सर क्या आपको काटने की आवश्यकता थी, मेरे मित्र बिल्कुल भी काटने की आवश्यकता नहीं थी। कहोगे वो कैसे, अभी दिखाता हूँ मेरे मित्र। यहाँ पर ये 13 है, अगर 13 को 3 से गुना करोगे, अगर आपने 13 को 3 से गुना किया तो 39 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ 40 भी तो है। जैसे ही 40 को 13 से गुना करोगे 520, और 39 में 500 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, जबकि 41 ही है, इसलिए 13 नहीं जाएगा। उसके बाद रही बात 15 की, तो 15 3 45 सीधे उससे ज़्यादा हो जाएगा, 20 20 3 60 सीधे इससे ज़्यादा हो जाएगा, तब तो एक ही आंसर जाएगा 12, इतना सोचना भी नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, सोच लिया सॉल्व कर लिया तो फिर उसको ठीक है बैक नहीं होना है। ओके आइए मेरे दोस्त 25 नंबर देखते हैं, ये क्या कहता है। 14 साल पहले पिताजी अपने पुत्र के 3 गुनी, लेकिन प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में पिताजी अपने बेटे का डबल है, तो बेटा को 1 मान लेते हैं, पिताजी डबल हैं तो 2 हो जाएंगे। अब मेरे दोस्त 14 साल पहले, अगर 14 साल पहले की बात होगी तब तो वर्तमान से 14 ये भी घटेंगे और 14 वो भी घटेंगे, तो 14 साल पहले क्या था, पिताजी अपने बेटे का 3 गुनी थे, यानी बेटा अगर 1 का तो पिताजी 3 के, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ लूँ क्या मेरे दोस्त, अगर वर्तमान से 14 साल पहले जाएंगे तो 14 साल पुत्र भी घटेगा, 14 साल पिताजी भी घटेंगे, तो जब अगर समान वर्षों से घटेंगे तो रेशियो में समान कमी होना चाहिए, यानी वर्ष में समान कमी हो रहा है कि 14-14 साल दोनों ही घट रहे हैं, तो रेशियो में भी समान कमी होना चाहिए, लेकिन यहाँ कमी खाक हो रहा है, यहाँ तो वृद्धि हो जा रहा है,
इसका मतलब ये रेशियो बैलेंस नहीं है। रेशियो बैलेंस कीजिए कैसे, नीचे वाला का अंतर लीजिए ऊपर गुना कीजिए और ऊपर वाला का डिफरेंस लेके नीचे कीजिए। ऊपर वाले का डिफरेंस एक है, नीचे गुना करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन नीचे वाले का डिफरेंस दो है तो मेरे मित्र दो से ऊपर गुना कर लो और क्या। अब आप देख लो, चार से तीन घट गया एक, चार से तीन रह गया एक की कमी, और दो से एक रह गया एक की कमी, और यही जो एक की कमी हो रहा है ना वो वर्तमान से 14 पहले 14 की कमी हो रहा है। तो एक का मान अगर 14 है, हमें कहा वर्तमान में दोनों की उम्र का योग क्या होगा, तो देखो वर्तमान में पिताजी चार पुत्र दो, यानी चार दो छः, तो हो जाएगा 6 × 14 कितने 84। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त इसको देखते हैं, ये क्या है। देखो ये हमें कहता है कि सर 2 साल का जो अमाउंट है वो 1250 है, 2 साल का मिश्रधन 1250 है, और 5 साल का जो मिश्रधन है मेरे दोस्त वो हमारे पास 2000 है। समझने की ज़रा कोशिश करना, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 सालों में 1250 और 5 साल में 2000 हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा, ब्याज की दर बताइए क्या हो। कोई बात नहीं, अगर 2 साल में कोई रुपए बढ़कर 1250 और 5 साल में अगर 2000 हो जाए तो मुझे ये बताइए समय का गैप कितना। ये 2 साल का अमाउंट है, ये 5 साल का अमाउंट है, यानी समय जो है वो 3 साल का आया, समय का गैप 3 साल का हुआ। अब देखो 3 साल में पैसे कितने बढ़ गए, तो 2000 में इसको घटा दो 750। तो मैं पूछता हूँ 750 रुपये अधिक ब्याज बन गया। अरे भैया मिश्रधन में वृद्धि का मतलब क्या, ब्याज बढ़ेगा तभी तो मिश्रधन बढ़ेगा, है ना। तो मिश्रधन में वृद्धि का मतलब ब्याज में वृद्धि होता है। तो मेरे भाई 750 रुपये अधिक ब्याज बन गया कितने सालों में, 3 सालों में। इसका मतलब क्या है, हर साल हमें 250 रुपये ब्याज बन रहा है। अब आपसे पूछूंगा कि ये जो 2 साल का अमाउंट है इसमें क्या क्या होगा, प्रिंसिपल होगा और 2 साल का ब्याज होगा। बोलो एक साल में 250 है तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, है ना। तो भाई अगर 1250 में 500 इंटरेस्ट ही हो जाएगा तो यहाँ बच कितने जाएंगे, 750, यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर हमें रेट चाहिए तो रेट कैसे फाइंड होता है, एक साल का इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट मेरे दोस्त न्यूमरेटर में रखो और बटे प्रिंसिपल और इंटू 100 आंसर, क्योंकि रेट का डेफिनेशन ही होता है एक साल में 100 रुपये के ऊपर लगने वाला ब्याज रेट होता है। तो एक साल में 250 रुपये ब्याज बना किस पर, 750 पर, मुझे चाहिए 100 पर, इसलिए 100 से गुना कर दिए। अब मेरे दोस्त आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर विचार करो। देखो 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8 चेक कर लो एक बार, 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8 क्या कहा, इसने कहा कि जितने भी ऑड डिजिट हैं उसमें 2 ऐड कर दिया जाए। ऑड डिजिट में आपको 2 ऐड करना है, ऑड डिजिट में आपको 2 ऐड करना है, ये ध्यान रहे। इवन डिजिट में से एक घटा दिया जाए, इवन डिजिट में से एक घटा दो, घटा दो। अब देखो क्या परिणाम होता है, 3, 2, 5 हो जाएगा, 5, 4 में से एक गया 3, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा, ये घट के 1 हो जाएगा, 7, 2, 9 हो जाएगा, और यहाँ से ये 7 रह जाएगा। कहता है तीसरे और, क्या कह रहा है, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे का योगफल क्या होगा। बाएं से तीसरा लो 1, 2, 3, दाएं से तीसरा लो 1, 2, 3, मेरे मित्र इसी दोनों का योग मांगा है और इसका योग कितना हो गया, 4 हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और यही मेरे दोस्त आज का आखिरी सवाल है। देखिए ये क्या कहता है, निम्नांकित चार्ट PQRST 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी की संख्या को दर्शाता है, चार्ट का अध्ययन करिए और पूछे गए प्रश्न का जवाब दीजिए। ये है बीमा पॉलिसी की संख्या, ठीक है भाई, और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सेल्स पर्सन है। अब देखो भाई ये कौन सा बार ग्राफ किस वैल्यू तक गया है वो यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हो। अब 120 से 140 के बीच में कहाँ तक गया है पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को, हम लोग तो ये समझ रहे हैं 130 से भी कम है ना, 130 से कम तो कितना,
तो वो खुद ही यहाँ पे लिख दिया है कि सेल्समैन पी जो है वो 128 बीमा बेची है, क्यू ने इतना बेची है, आर ने इतना बेची है, एस ने इतना बेची है और टी ने इतना बेची है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, बस इस पर ध्यान दो मेरे भाई। क्वेश्चन मुझसे पूछता है सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी का प्रतिशत हिस्सेदारी क्या है। तो मैं पूछता हूँ क्यू ने कितना बेचा है, क्यू ने मेरे दोस्त क्यू के द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी बटा टोटल बीमा पॉलिसी, यानी क्यू का परसेंटेज चाहिए टोटल से। तो कोई बात नहीं, क्यू तो हम देख रहे हैं कि 165 है, टोटल के लिए ऐड करना पड़ेगा 8, 5, 13, 13, 6, 19 और 1, 20 जीरो हो गया, ये 2, 2, 4, 6, 8, 8, 3, 11, 1, 12, 12, 12, 2 कितने हो जाएंगे, फिर से एक बार ऐड कर लो, ये तो जीरो ठीक ही है, 2, 6, 2, 8, 8, 3 मेरे दोस्त कितने हैं 11, 12, 12, 2, 14, 14, 2, 16 हो जाएगा और ये अपने पास 5 और 1, 6, 660 हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये हमारा 660 हो गया और परसेंटेज के लिए आप 100 कर दो। तो सीधा सीधा आप यहीं पे देख लो कटता है क्या मेरे दोस्त, 33, 33 पचे और 33 दूनी 20, 25 100 यानी आ जाएगा 25%। तो मेरे दोस्त ये हो गया 25%। तो इस प्रकार मेरे दोस्त आज का सेट क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप सभी के लिए मेरी ओर से एक मैसेज है कि मेरे भाई आप जितने भी लोग लगातार अपने साथ बने हुए हो, लगातार मेरे दोस्त काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपसे कहते एक तरह का वादा करता हूँ कि अगर आपने इस प्रीवियस ईयर वाली सेट के साथ साथ अपना मॉक टेस्ट साथ रखा तो एग्ज़ामिनेशन में आप 100% स्कोर करोगे। क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ प्रीवियस ईयर से 60 से 70% क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बन जाएंगे लेकिन 30 से 20% क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे और वैसे स्थिति में आप आउट ऑफ मेरिट हो जाइएगा, ठीक है। और कई बच्चे ने यही गलती पिछले साल की है, मैं नहीं चाहता कि अगेन एंड अगेन वो यही गलती करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।